ढाबा स्टाइल मटन करी। जी हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी है हमारी ढाबा स्टाइल मटन करी। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल एप्रन किंग में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने मटन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 1/2 कटोरी दही और 2 बड़े कटे हुए प्याज। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मटन को मैरिनेशन के लिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने मटन को कुकर में डालेंगे सीटी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 2 चम्मच घी। और जैसे कि मटन को 1/2 घंटा हो गया है मैरिनेशन के लिए छोड़े हुए, तो अब हम इसको कुकर में ऐड कर लेंगे। ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 4 सीटी लगानी है हमने अपने मटन को। तो जब तक मटन को सीटी लग रही है, आइए रेडी कर लेते हैं अपना मसाला। मसाले के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और उसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने लहसुन अदरक का पेस्ट। उस लहसुन अदरक के पेस्ट को के साथ प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। आइए अब अपने मटन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। मटन देख सकते हैं आप, 90% तक अच्छे से गल चुका है। वापस चलते हैं अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर रहे हैं टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटर की प्यूरी यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मीडियम साइज़। अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक हमने मटन में भी डाला था, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा मटन में और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच मीट मसाला। 1 चम्मच मीट मसाला हम बाद में ऊपर से डालेंगे। मसाले को हमने अच्छे से पकाना है कम से कम 10 से 12 मिनट। अगर मसाला नीचे लगता है तो उस पर आप पानी ऐड कर सकते हैं। पानी के अलावा यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं मटन का सूप, मटन की ग्रेवी, पर ये भी ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आप मसाले में आप मटन का सूप ऐड करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कसूरी मेथी और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मसाले को 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, 4 से 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे। तो दोस्तों मसाला हमारा लगभग तैयार हो चुका है। आइए अब इसमें ऐड करते हैं अपना मटन। मटन डालने के बाद आपको 4 से 5 मिनट ही मसाले के साथ पकाना है और आपकी जो मटन ग्रेवी रेसिपी है वो एकदम बनके तैयार हो जाएगी। तो मटन हमारा एकदम फाइनली बनके तैयार है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसी बनी है हमारी मटन करी रेसिपी।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एप्रन किंग को। मटन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें इस रेसिपी को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।